कुसुदी कर माता सरस्वती का ध्यान करेंगे ओम सुखदाम ब्रह्म विचार सार परमां माध्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अवयताम राज्यां जगारापहाम हस्ति स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सारिणां सरस्वती नमः चरणकमलयो ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः पादयोर्पाद्यं जलं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः हस्तयोर्हर्यम् ओम असोदस्तांद्रो अरुण उदव ब्रो सोमंगलाये जैन गोम रुद्रा अभिलोकितुलसीदाहनजोवेगाकुमेडधीमहे पुरुषोत्तमाय नमः आत्मनियम जलम समर्पयामि पंचामृत स्नानम् ओम वायः पृथिव्यां वायः अग्नेः वायः द्रव्यां तारकधय वायः वायद्वादेः प्रदिदः संगमयम् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पंचामृत स्नानम् समर्पयामि स्नानम् आत्मनियम सुदर स्नानम् समर्पयामि वस्त्रम् वस्त्रांग आचमिनियम जलम समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आचमिनियम जलम समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधम ओम त्वां गंधर्वा अघर त्वामेन्द्र त्वामृहद्वदे त्वामोघरे सोमो याया विद्वान् क्षेमाधमुच्यता रक्षतान् समर्पयामि सुगन्धिनेषु पुष्पाणि कुसुमाल्यां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सुगन्धि धूपमाघ्रापयामि प्रदक्ष दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्या आसीदन्दर्शकं शेषार्जभोमृदोकानगलपयन्नृत्सरूपणे नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्याङ्गयाचमिनियं जलं समर्पयामि फलताम्बूलद्रव्यदक्षिणादिकं समर्पयामि क्षणं दात्वा जपकरणे सविलोकं श्रीशिवमहापुराणाय नमः ॐ श्रीमहापुराणाय नमः ॐ श्रीमहापुराणाय नमः ॐ श्रीमहापुराणाय नमः ॐ श्रीमहापुराणाय नमः श्रीमहापुराणाय नमः श्रीमहापुराणाय नमः श्रीमहापुराणाय नमः ्राणाशुभमजपं सत्यवदमेवान् महेश्वरः अनेनां कृतेनां पूजाख्येन कर्मणे श्रीशिवमहापुराणाय प्रियन्तां नमः शिवमहापुराणके कुसुमलेखर वेदव्याज के चरण कमल का ध्यान करेंगे ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे ओम भूमि दीवाकृत नमासे त्वं विप्रः पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञ वरदो अनुगोयम् गन्धानुभिदय पदम् ॐ नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रनमोदये सहस्रपादाभिषोरभावे सहस्रयामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः विद्व्यासाय नमालङ्करणाद् विगन्धाक्रपुषभे सम्पूज्य पुष्पाणिं कुसुमाल्यां वेदव्यासाय नमः कुसुमाल्यां समर्पयामि देवीरद्रव्यै समर्पयामि भूरियामि निवेदयामि बोलिए वेदव्यासी महाराज की जय हो शिव महापुराण की जय हो अम्बे मैया की जय हो ओम नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव
भूमिया देवा स्वामी जय भूमिया देवा
देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों में, श्री भूमिया देवता के चरण कमलों में, स्थानीय क्षेत्रीय समस्त नगरीय देवताओं के चरण कमलों में वंदन करते हुए, उन चरणों का स्तवन करते हुए इस यज्ञ में उपस्थित सभी संत जन, वृद्ध जन तथा इस यज्ञ के पावन पुनीत यजमान वृंद, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी तथा समस्त प्यारे प्यारे बच्चे, उन सब के हृदय में उपस्थित भगवान शिव और शिवा तथा इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस कथा का घर बैठे आनंद प्राप्त करते हुए सभी श्रोताओं के हृदय में उपस्थित साक्षात भवानी शंकर का स्तवन करते हुए सभी को इस व्यासपीठ की ओर से तथा इस दास की ओर से श्रिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर युग पानी आनंद कंद भगवान की जय हो, विष्णु महापुराण की जय हो। तो आइए आज इस कथा का पारायण दिवस, पूर्णाहुति दिवस, और आज हम इस कथा को विश्राम की ओर ले चलें। इससे पूर्व भगवान भोलेनाथ से जैसे 10 दिन तक निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही श्रोता बनकर हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएं और आप ही वक्ता बनकर, वक्ता जी की मंगलवाणी पर उपस्थित होकर हमें दिव्य आनंदित करने वाले ऐसे आख्यानों को श्रवण कराएं। तो आज भगवान से पुनः निवेदन करते हैं, मनवाणी को पवित्र करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, विश्राम सत्र की ओर उपस्थित है। सदैव आप इसी प्रकार यज्ञ अनुष्ठान आप कराते रहे, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान के आप सदैव भागी बने रहे, और भगवान शंकर हमारी बुद्धि को ऐसा बनाए जिससे हमारी यह बुद्धि सदैव अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हो, ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में हम तल्लीन होते रहे, ऐसे अच्छे कार्यों को निरंतर भगवान की कृपा से देखते रहे। तथा जिन्होंने भी इस यज्ञ में जैसे भी किसी ने तन से सहयोग किया, किसी ने मन से, किसी ने धन से, और किसी ने
सेवा करके या जैसे भी इस कथा का प्रचार प्रसार करके जिस प्रकार भी इसमें सहयोग किया, भगवान शिव एवं शिवा तथा भूमिया देव की कृपा उन पर सदैव बने रहे, उनके अन्न धन के भंडार सदैव बने रहे, सदैव उनके घर में ऐसे सुख शांत समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनका धन जो है सदैव अच्छे कार्यों में लगे और अच्छे कार्यों में लगने पर उन्हें अच्छे अच्छे मंगल की प्राप्ति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर यह दिव्य यहाँ यज्ञ उपस्थित हुआ। इस यज्ञ में खूब दुष्ट जन उपस्थित हैं, खूब संत जन उपस्थित हैं और आपकी श्रद्धा भक्ति और विश्वास खूब यहाँ पर बरस रहा है, तो यह यज्ञ जो है अवश्य ही इसे निर्विघ्न संपन्न होना, क्योंकि इच्छित फल बिनो सेव अवराधे, इच्छित फल बिनो सेव अनुराधे, ओ इच्छित फल बिनो सेव अवराधे, ओ इच्छित फल बिनो सेव यह जो शिव पुराण है यह बिना मांगे ही श्रवण करने वाले के सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला और लहिए न कोटि जोग जप साधे, यह अनेकों योग आदि करने से सबसे उत्तम यह है कि भगवान शिव की कथा को श्रवण कर लिया जाए, क्योंकि जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण मात्र कर लेते हैं तो शिव पुराण कहती है कि वह सामान्य मनुष्य नहीं है। रुद्रो एवं संशय, वह भगवान शिव के रूप में यहाँ उपस्थित हो जाता है, वह भगवान शिव का ही रूप बन जाता है, तो इसलिए ऐसी अद्भुत यह कथा है। आज जब इस प्रकार सौनकादि सूत जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु आपने दिव्य दिव्य चरित्र हमें श्रवण कराए, आज इस विश्राम दिवस पर भी हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जो अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला। आज जब इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया तो आज जितने भी सौनकादि ऋषि हैं आज सूत जी से निवेदन करते हैं कि धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव यत्र वयसि नस्तात महेश्वर कथां शुभां। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, हे सूत जी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और क्यों धन्यवाद के प्राप्त हैं? कृतकृत्योऽसि, आपने हमें कृतकृत कर दिया, गदगद कर दिया, ऐसे सुंदर भगवान की कथा हमें श्रवण कराए। जीवितं सफलं तव, इसलिए आपका जीवन सफल हो और आपने अपने साथ हमारा जीवन भी सफल कर दिया है। यत्रावयसि नस्तात महेश्वर कथां शुभां, इसलिए आज आप हमें एक ऐसा उपाय बता दो जो हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय हो। आज जब इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तो आज सूत जी कहते हैं कि आपको ऐसा दिव्य उत्तम व्रत बताता हूँ, चाहे व्यक्ति को कितनी भूख लगती हो
उससे कोई व्रत हो पाए या न हो पाए, लेकिन भगवान शंकर की अगर कृपा उसे प्राप्त करनी है तो उसे सारे व्रतों को छोड़कर इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जब आज इस प्रकार सूत जी ने कहा तो जितने स्वर्णकादि ऋषि हैं वे कहने लगे कि हम उस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। प्रभु ऐसा उत्तम और ऐसा अद्भुत अगर वो फल प्रदान करती है, भगवान शंकर उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो उस कथा को हम अवश्य श्रवण करना चाहते हैं। आज जब इस प्रकार कहा तो आज कहने लगे कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करो और हमें यह अमृतमयी कथा श्रवण कराओ। तो पूरा कश्चित बने भिल्लो नाम नासीद गुरुद्रोह। आज सूत जी कहने लगे हे स्वर्णकादि ऋषियों, एक वन में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था, शिकारी, और अपने परिवार के पालन के लिए वो नित्य प्रति जंगल जाता और जंगल जाकर पशुओं का वध करके लाता था, जिससे उसका परिवार का लालन पालन हो सके। उसके सारे परिवार के जो सदस्य हैं वो कभी भूखे न रहे। एक दिन देखता क्या है कि आज उसके परिवार वाले आज उससे कहने लगे, अरे भैया आज भी कुछ लाओ, आज हम बड़े भूख प्यास से पीड़ित हैं। आज माता पिता कहने लगे बेटा कुछ खाने के लिए है तो दो। आज पत्नी निवेदन करने लगे कि कुछ लाइए, हमें भोजन दो, हमें भोजन की बहुत आवश्यकता है। आज जब इस प्रकार कहने लगे तो आज जो भील जी हैं आज बड़े दुखित हो गए, बड़े चिंतित हो गए। अब कैसे इस दिन में इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। जब इस प्रकार आज देख कहने लगे कि इस दिन में आपके लिए कैसे भोजन की व्यवस्था करूं, तो आज उनके मुखाकृति जो थी आज देखता है कि वो सब ऐसा कहने पर उदास हो गए। आज जब सबको उदासी उनके चेहरे पर जब उसने देखी तो आज उस उदासी को देखकर प्रण करने लगे कि अरे भैया इनका तो विश्वास सबसे ज्यादा मुझ पर है, अगर मैं इनके लिए व्यवस्था नहीं करूंगा तो कहीं इनका भोग के कारण प्राणांत तो न हो जाए। आज जब देखने लगा तो आज पत्नी ने भी कह दिया कि अब आप ही व्यवस्था कर सकते हो, जहां से जैसी व्यवस्था करते हो आप करो। आज जब इस प्रकार देखता है तो अब वह जो शिकारी है, वह जो भील है, आज उसने कुछ भोजन के लिए जब नहीं पाया तो आज कहता है कि अच्छा तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, जरा जंगल की ओर जाता हूँ, अगर कोई पशु मिल जाए तो आज उसको मार कर यहाँ ले आऊंगा। आज इस प्रकार उनको तो सांत्वना दे दी, लेकिन अपने मन में विचार करने लगा कि किम कर्तव्यम को गप्तव्यम न प्राप्तम में यकिंचना बालास्य गृहे तेषां किं चित्रोस्य भविष्यति। आज उनसे तो प्रण कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ, लेकिन अब सोचने लगा किम कर्तव्यम को गंतव्यम कहते, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, इस दिन में तो कोई मृग आदि जितने भी पशु आएंगे वह मुझे आसानी से देख लेंगे, मैं उनको छिपकर भी नहीं मार सकता। अब जब इस प्रकार विचार करने लगा तो प्राप्त में यकिंचना, अगर कहने लगा मैं कुछ भी अगर आज प्राप्त करके नहीं लाया तो बालास्य गृहे तेषां किं पित्रोश्च भविष्यति, आज मेरे घर में जितने भी मेरे सदस्य हैं उनका क्या हाल होगा, कैसे वो अपना जीवन जिएंगे बिना भोजन के, घर जाना व्यर्थ है। आज जब इस प्रकार सोचने लगा तो आज मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए।
लेकिन आज अपने परिवार वालों की जब ऐसी स्थिति देखी तो आज विचार करते 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 एक जलाशय के पास पहुंच गए। अब जैसे ही जलाशय के पास पहुंचा तो मन में विचार आने लगा, आज वो चिंतन जो है आज वो छोड़ दिया, वह चिंता आगे जितने भी विचार अधीन हुआ था, आज जैसे ही जलाशय को देखा तो घर वालों की चिंता दूर हो गई। मन में सोचने लगा जरूर इस जलाशय के पास कोई न कोई जीव जल ग्रहण करने आए, इसलिए आज क्या किया, आज अपने लिए एक पात्र में जल भरा और वहीं उस जलाशय के पास एक बिल्लु वृक्ष था और उस बिल्लु वृक्ष पर चढ़ गया और शिव पुराण में वर्णन है कि उस बिल्लु वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी उपस्थित था। आज जैसे ही उस बिल्लु वृक्ष के ऊपर उपस्थित हुआ तो आज इंतजार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा, मन में सोचने लगा कि जल्द ही कोई अगर जीव आ जाता तो आज उसको मारकर अपने घर को चले देता। तब पहर में जब प्यास से व्याकुल एक हरिणी एक हिरण वहां दौड़ते हुए आए तो आज व्याध उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे भैया अब तो शीघ्र ही मैं धनुष बाण चढ़ाता हूँ और इसको मारकर अपने घर ले जाता हूँ, मेरे माता पिता स्त्री आदि सभी भूखे, अब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। आज जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया जो जल वह पात्र में भरकर ले गया था और बैठा किस पर था, बिल्लु वृक्ष पर, तो आज उसके हाथों को हिलाते ही एक बिल्लु पत्र और कुछ जल की बूंदे पतितानि यदस्तत्र शिवलिंगम अभूत्। आज जैसे ही उस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई तो आज कुछ जल की बूंदे और बिल्लु पत्र अनायास ही उस शिवलिंग के ऊपर उपस्थित हो गया। आज सनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि जाने अनजाने उसने क्या किया, आज प्रथम पहर की पूजा कर दी, आज शिवरात्रि का पावन दिन था और दूसरा वह भूख से व्याकुल था और इस कारण आज मन में उसका इस प्रकार का कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हाथों से जब जल और बिल्लु के पत्र उस शिवलिंग पर गिरे तो आज उसका कल्याण हुआ। आज जैसे ही वह प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई उसके सारे पाप नष्ट हो, तब जैसे ही उस हिरणी ने उस व्याध को देखा तो कहने लगी कि हे व्याध तुम क्या करना चाहते हो, पहले मुझे सच सच बताओ कि मुझे क्यों मारना चाहते हो, अगर आपको भोजन ही चाहिए तो जाओ काम करो परिश्रम करो, मुझे क्यों मारते हो, कौन हो, तो कहने लगा कि कुटुंबम छुदितं मेद्य हत्वा त्वां तर्पयाम्यहम्। अरे हिरण मैं व्याध हूं और मेरा जो परिवार है बड़ा भूखा है, मैं निरंतर यहाँ शिकार करने आता हूँ, इसलिए शिकारी और आज तुम्हें मारकर अपने परिवार का लालन पालन करूंगा। आज जब इस प्रकार कहा तो आज जो हिरणी थी आज मन में विचार करने लगी, अरे भैया क्या प्रयत्न करूं कैसे इस शिकारी से बचा जाए, आज मन में विचार करने लगी करने लगी तो एक युक्ति सूझी, आज कहने लगी कि यदि तुम मेरे देह से बड़े प्रसन्न हो, अगर तुम्हारे परिवार की सारी आकांक्षाएं मेरे देह से परिपूर्ण हो जाती हैं तो मुझे अवश्य मारो, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी विनती स्वीकार करो। आज जब इस प्रकार उस हरिणी ने कहा तो आज व्याध कहने लगा बताओ तुम्हारी विनती भी स्वीकार करनी है, तो आज कहने लगी कि मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
पहले मैं उनको अपने स्वामी को सौंप आती हूँ, जिससे वह उनका रख रखाव कर सके, उनको सांत्वना दे आती हूँ कि मैं अभी लौट कर आऊंगी। और इस प्रकार वह अपने खेल में आनंदित रहेंगे और अपने पति को सारा वृतांत बताऊंगी कि मैं व्याध के पास जा रही हूँ और व्याध को मेरे शरीर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार आज कहा तो आज व्याध कहने लगा, भैया तुम्हारा विश्वास कैसे कर दो, बड़ी मुश्किलों से तो कोई एक शिकार मेरे हाथ लगा उसको भी छोड़ दो, मैं तुम्हारी विनती स्वीकार नहीं करता हूँ। क्या ऐसा प्रमाण है कि तुम सत्य कह रही हो? आज जब इस प्रकार कहा तो आज हिरणी कहने लगी कि समस्त पृथ्वी जो है वो सत्य पर टिकी हुई है और इसलिए मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे जो भी बात कह रही हूँ बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। जैसे अपने घर जाऊंगे, अपने बच्चों को अपने पति के सानिध्य में उपस्थित करके आज वापस लौट आऊंगे। अगर मैं नहीं लौटी तो संसार के जितने भी पाप करने वाले लोग हैं उन सबके पाप मुझको लग जाए। आज जब इस प्रकार कहा तो आज व्याध का जो विचार था आज परिवर्तित हो, आज कहने लगा अच्छा चलो तुम पर भी विश्वास कर लिया जाए, जब इतना भूखा मेरा परिवार है थोड़ी देर और सही, आज देख तो लो कि तुम सत्य कहते हो या नहीं कहते। आज इस प्रकार कहा तो आज हरिणी ने जल ग्रहण किया, उस जलाशय से पानी पिया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को आज दौड़ कर चली गई। अब द्वितीय प्रहर जब लगा तो द्वितीय प्रहर के समय एक हरिणी आज जलाशय के पास पुनः आ गई, एक दूसरी हरिणी आज वहां उस जलाशय के पास आ गई। काम दृष्ट स्वयं मिलो स्वयं मिलो। आज जैसे ही उस फिल्ल ने उस हरिणी को देखा आज बड़ा प्रसन्न हो गया। आज क्या किया, पूर्ववत जैसे पूर्व के बाद उसने हरिणी को देखकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, ठीक आज उसी प्रकार किया तो आज भगवान की कृपा से पुनः कुछ बिल्व पत्र और कुछ जल की बूंदें जो है आज उस शिवलिंग पर जा गई। तो सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, आज उसने जाने अनजाने भूखे रहकर आज भगवान शंकर की द्वितीय प्रहर की पूजा भी कर ली। आज जैसे ही उस द्वितीय प्रहर की पूजा हुई तो आज वह धन्य हो गया। आज जब इस प्रकार द्वितीय प्रहर की पूजा हुई तो आज वह फिर वह हरिणी आज उसे पूछने लगी, अरे शिकारी जी क्यों मारना चाहते हो भैया, जैसे आपको भगवान ने स्वतंत्र घूमने का अधिकार दिया है वैसे भी हम भी स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, आप क्यों हमारी स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। आज जब इस प्रकार कहा तो कहने लगा कि मेरा परिवार भूखा है, अभी तुम्हारी जैसे एक हरिणी आई थी उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़ आती हूँ और वो अभी तक नहीं लौटी, तो आज वह दूसरी हरिणी भी आज विनती करने लगी कि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए मैं भी उनको अपने स्वामी को सौंप आती हूँ, अपने स्वामी जी को आश्वासन दे आती हूँ और उसके बाद तुम्हारे पास वापस लौट आती हूँ। आज विचार करने लगा अगर एक शिकार छोड़ दिया दूसरा भी छोड़ लूं तो कैसे मेरे परिवार पड़ेगा, मेरा तो काम ही नहीं है, कहां से मेरे अंदर ऐसी दया आ जा रही है जो मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ। आज वह कहने लगी कि हे शिकारी जी आप मुझ पर कृपा करो, मुझे यहाँ से जाने दो। सखिया जा तो शिव चरचा
हे शिव शंकर भगवान, जो जो भी आपकी चर्चा में उपस्थित होंगे आपके कथा का श्रवण करेंगे। जो शिव चर्चा में आएगा, शिव गुरु के भजन वो गाएगा। जो शिव चर्चा में आएगा, शिव गुरु के भजन वो गाएगा। जो शिव चर्चा में आएगा, शिव गुरु के भजन वो गाएगा। सपने ले आए हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले। हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले। भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ आप सभी को खुशियां, भक्ति और शंकर जी आपके जीवन में उपस्थित हो, जिससे वे सारे आपके जीवन के संकटों का नाश करते हैं। किसी प्रकार के अगर कटु शब्द किसी के लिए निकले हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। और इस प्रकार आज की इस महात्म्य की कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं और गुनगुनाते हुए भगवान का भजन करते हुए कि ऐसी सद्बुद्धि ऐसा प्रेम हमें बार बार मिलता रहे। और जब तक आप जैसे कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी, उस नामावली को लेकर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तब तक भगवान नाम का कुछ संकीर्तन करने बोलिए। Yeah।
और सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर हो रहा है संपूर्ण भंडारा लग रहा होगा, देख सकते हो दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन भंडारा पाने के लिए आए हुए हैं। और भोला पूर्णिमा जब नौजवान आपका आशीर्वाद रहा, आप लोग हम इसी प्रकार से करते रहेंगे लोगों के चरण में, तो अगली बार आप ही लोगों के सहयोग से यहाँ पर राम लगा हमारे साल भंडारा खुल चुका है। ओम नमः शिवाय। विशाल भंडारे का सभी लोग आनंद लेते हुए राठौर साहब आज सुबह से लगे हुए हैं, हमारे चाचा जी सारा काम यही कर रहे हैं, आज सुबह से थक गए हैं, शायद थक गए हो चल। और
पकड़ोगी ये बीरू उठा यार ब्लॉक बंद कर। अरे बीरू ओए काम कर ले कुछ है। अमन मोनी मुंह पर चला बीरू अमन घर ये सब ये कटोरा दे दे बीरू भैया कटोरा दे इसको। और विशाल भंडारे का सभी लोग आनंद लेते हुए लिया चल अगर हमारा नाम ब्लॉग देख लिया तो रोज़े देखो रोज़े खाओ खाओ तुम खाओ तुम पियो पान पियो ये काम है भाई ये ला बना पैक हमारा है ए और शौक 100 करोड़ डॉलर आमी 100 करोड़।